नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपकी एक और बेहतरीन वीडियो में। हम फिर से आ गए आपकी खिदमत में। तो दोस्तों, आज की वीडियो एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो है और ये वीडियो फैंशू कॉलेज बेस्ड वीडियो है। और आज हम कोर्स डिस्कस करने वाले हैं, ट्रैवल एंड टूरिज्म कोर्स, जो कि फैंशू कॉलेज डाउनटाउन कैंपस में पढ़ाया जाता है। और आज हम इंटरनेशनल स्टूडेंट का इंटरव्यू लेने वाले हैं, उनका एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करने वाले हैं। आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगेगी। जसलीन जी, स्वागत आपके वीडियो में। तो जसलीन जी, बताएं आप इंडिया से कहाँ से? तो मैं इंडिया में दिल्ली से हूँ। ठीक है, आप दिल्ली से हैं। और अब बताएं कि आपने ये कोर्स कैसे सिलेक्ट किया और आपने 12th किस सब्जेक्ट में की थी? तो मैंने ये कोर्स अपने आप ही सिलेक्ट किया था, लाइक रिसर्च करने के बाद थोड़ा। और मेरे पास 12th में एक्चुअली कॉमर्स थी, तो बट मेरा इंटरेस्ट दूसरी साइड चला गया, तो इसलिए मैंने टूरिज्म एंड ट्रैवल मेरा कोर्स है, मैंने वो चूज किया। टूरिज्म चूज किया। और क्या रिक्वायरमेंट होती है आईएलटीएस की यहाँ पे? आपको इस कोर्स में एनरोल होने के लिए 12th में परसेंटेज एटलीस्ट 60% अबव होनी चाहिए। एंड अगर आईएलटीएस का देखें तो आईएलटीएस में 6 बैंड ईच, मतलब एवरी मॉड्यूल यू हैव टू, या 6 बैंड्स। शॉर्ट ओवरव्यू दे दो अपने कोर्स के बारे में। सो टूरिज्म एंड ट्रैवल हमारे कोर्स में हमें बेसिकली टूरिज्म इंडस्ट्री के बारे में बताते हैं कि टूरिज्म इंडस्ट्री में क्या क्या चीजें इन्वॉल्व होती हैं, कौन से सेक्टर्स आते हैं, एंड कैसे ये इंडस्ट्री रन होती है, क्या क्या चीजें हैं जो हमें ध्यान में रखनी चाहिए इस इंडस्ट्री के बारे में, और इसका कितना वास्ट सेक्टर है, कितने उस जैसे मैंने बताया कि इस इंडस्ट्री में काफी सारे सेक्टर्स हैं एंड उसके सब पार्ट्स भी हैं। तो हमें बेसिकली इसके मतलब उसके सब पार्ट्स के बारे में बताते हैं, उनके सेक्टर्स के बारे में एक ब्रीफिंग दी जाती है। ठीक है, किस तरह के कोर्सेज आप पढ़ते हो इस कोर्स में? सो हम बेसिकली लाइक हम होटल्स के बारे में पढ़ते हैं, ट्रैवल एजेंसीज कैसे ऑपरेट होती हैं, कैसे काम करती हैं, एज अ ट्रैवल एजेंट या एज अ टूर गाइड आप कैसे चीज़ों को मैनेज करते हो। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली इस कोर्स में जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है वो है कस्टमर सर्विस। आपको फेस टू फेस या कोई भी कस्टमर सर्विस आपको देनी जरूरी होती है इस कोर्स में। आप लाइक आपका इंटरेक्शन होता है लोगों से, जो कि बहुत जरूरी है। आई गेस एवरी अब वैसे भी हर सेक्टर में इंटरेक्शन विद पीपल, सोशलाइजिंग और कुछ मतलब प्लेसेस के बारे में जानना, जैसे ज्योग्राफी हमारे कोर्स था उसमें हमें अलग पूरे नॉर्थ अमेरिका के बारे में बताया था फर्स्ट सेमेस्टर में, एंड अपकमिंग सेमेस्टर में हमें आगे के जो यूरोप, जो बाकी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड है लाइक यूरोप, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, इन सब के बारे में कवर किया जाएगा। और आपका कोर्स कितने साल का है? ये कोर्स 2 साल का है, डिप्लोमा है, बट इफ यू वांट टू गो फॉर बैचलर्स तो वो आई गेस 3 इयर्स का होता है, एंड इसमें मास्टर्स डिग्री भी होती है, बैचलर्स भी होती है। हम करंटली डिप्लोमा में एनरोल्ड हैं, डिप्लोमा इन टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी। 2 ईयर का कोर्स है तो उसमें कोऑप कंपोनेंट है इस कोर्स में? हाँ जी, कोऑप कंपोनेंट है, एंड लकीली वो कोऑप हमें पेड मिली है, कि हमें जो हम कोऑप करेंगे वो हमें मतलब पेड है, हमें उसका सैलरी अमाउंट मिलेगा। और ये मतलब कि कंपलसरी है कोऑप करना? कंपलसरी नहीं है, ग्रेजुएट होने के लिए मैंडेटरी नहीं है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि बच्चों को कोऑप नहीं मिलती है, तो कंपलसरी नहीं है, बट हमारे मेंटर्स ने बोला कि वी शुड गो फॉर इट। कि एक सेमेस्टर में कितने सब्जेक्ट तुसी पढ़ते हो? हमारे लाइक काफी फर्स्ट सेमेस्टर में जैसे हमारे टोटल 8 to 9 सब्जेक्ट थे, उसमें हमें टूरिज्म इंडस्ट्री का एक बेसिक इंट्रो दिया था और बताया था कि टूरिज्म में क्या क्या सेक्टर्स आते हैं एक्चुअल में, मतलब कि टूरिज्म एक इंडस्ट्री बहुत बड़ी है जिसमें आप होटल्स भी ला सकते हो, जिसमें रिक्रिएशनल एंटरटेनमेंट एरियाज भी आते हैं, लाइक काफ़ी सारी चीज़ें आती है, फूड एंड बेवरेज एंड एवरीथिंग। तो उसके बारे में डिटेल्स में हमें लाइक बेसिक चीज़ें बताई गई थी, एंड फर्स्ट सेमेस्टर में जैसे बताया 8 कोर्सेज थे, जिसमें हमें टेक्नोलॉजी, MMED हमारा एक कोर्स था इमर्जिंग टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, उसमें हमें टेक्निकल टर्म्स बताई थी कि हम आगे वो कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं इस इंडस्ट्री में, एंड काफ़ी सारी चीज़ें लाइक ज्योग्राफी, जैसे जसलीन ने बताया ज्योग्राफी भी थी, नॉर्थ अमेरिका के बारे में हमने, US के बारे में पढ़ा, हमने कैनेडा के बारे में पढ़ा, तो काफ़ी एक नॉलेज डेवलप हुई, मतलब कि हम एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट जिन्हें सिर्फ कनाडा के कुछ पार्ट्स के बारे में पता है, होता है बहुत से ऐसे होते हैं
लेकिन हमें एक्सपैंड मतलब हमें एक्सपोजर मिला, हमें काफी सारी चीजों के बारे में पता लगा. एंड सेकेंड सेमेस्टर में हमारे टोटल 7 सब्जेक्ट्स हैं जिसमें हम होटल ऑपरेशंस के बारे में पढ़ रहे हैं, फ्रंट डेस्क कैसे मैनेज किया जाता है, रिजर्वेशंस कैसे की जाती है, एज अ ट्रैवल एजेंट आप टिकट्स कैसे बुक करते हो GDS प्लेटफॉर्म सिस्टम पे, वो हमें टिकट बुकिंग सब कुछ सिखाया जा रहा है. प्लस हमारे एडिशनल सब्जेक्ट्स भी हैं जैसे कम्युनिकेशंस के बारे में बताते हैं कि जब आप वर्क प्लेस पे हो तो आप कैसे कम्युनिकेट करो, अपने ईमेल्स को कैसे इम्प्रूव करो ताकि कोई भी आगे जाके हम चाहे टूरिज्म इस मतलब कम्युनिकेशन में, अगर हम टूरिज्म में नहीं, अगर हम किसी हॉस्पिटैलिटी में हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में जाते हैं, होटल्स में काम करने जाते हैं, तो हमें एक वे ऑफ टॉकिंग आना चाहिए. कस्टमर सर्विस हम कैसे दें वो हमें सिखाया जा रहा है कि कस्टमर सर्विस कैसे दी जाती है. तो बेसिकली हमारे ये कोर्सेज अभी हमने अब तक कवर करे. बहुत बढ़िया, शुक्रिया. मैं आपसे पूछ सकता हूँ कि जो आपका कोर्स है उसमें कुछ ऐसी ऑप्शंस है कि कुछ बच्चे सिर्फ कोऑप वाले ही कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं और कुछ विदाउट कोऑप, ऐसा कुछ है? कोऑप कंपलसरी नहीं है. मतलब कि हम ग्रेजुएट हो सकते हैं बिना कोऑप के, पर अकॉर्डिंग टू अस और हमारे मेंटर्स ने भी हमें यही बोला है कि अगर आप कोऑप करोगे तो बेटर है, बिकॉज तुम्हें मतलब हमें एक एक्सपीरियंस मिलेगा. एंड मोस्टली चांसेस ये होते हैं कि अगर जिस कंपनी में या जिस भी जगह हम कोऑप के लिए जाते हैं, मोस्टली अगर हम अपना बेस्ट देते हैं तो वो कंपनीज मोस्ट प्रोबेबली तुम्हें हायर कर सकती हैं, तो आगे जाके वो बेनिफिशियल ही है हमारे लिए. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. मतलब कि कोऑप आपके लिए, अगर मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बोलूं कि अगर आप कोऑप करते हैं तो जिस कंपनी में कोऑप कर रहे हैं मे बी वो कंपनी आपको नेक्स्ट कंटिन्यू करती है मतलब अपने साथ, तो इसमें आप काफी ठीक है. थोड़ा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ लेता हूँ कि आपने अपने मेंटर से पूछा कि जो आपको कोऑप मिलेगी क्या वो पेड मिलेगी या अनपेड मिलेगी? हाँ जी, हमने ये चीज उन्होंने हमें ये चीज स्टार्टिंग में क्लैरिफाई कर दी थी जब हमने कोऑप, हमें एक और चीज मैं बताती हूँ, हमें स्पेशल एक कोऑप 6 वीक्स का एक कोऑप टर्म था हमारा जिसमें हमें बताया गया था कि इंटरव्यूज के लिए कैसे प्रिपेयर करें, एक प्रॉपर प्रोफेशनल रेज्यूमे कैसे बनाए, एंड एवरीथिंग उसमें कोऑप से रिलेटेड कवर्ड था. तो वो 6 वीक्स का था, हमें सब कुछ बताया था उसमें. एंड उसमें हमें ये भी बोला था कि ये पेड होगा, हमें जॉब ढूंढनी है एंड हमें उस हिसाब से ही जैसे वो नॉर्मल एम्प्लॉयज को पे करते हैं हमें भी वैसे ही वो लोग पे करेंगे. ये मतलब आपको वैसे ही पे करेंगे, मतलब जो नॉर्मल एम्प्लॉयज को पे कर रहे हैं. और कोऑप फाइंड आउट करने में कौन हेल्प करेगा, क्या आपको खुद करनी पड़ेगी या आपको मेंटर्स हेल्प करेंगे कोऑप फाइंड आउट करने में? कोऑप फाइंड आउट करने के लिए कुछ हमें भी एफर्ट्स डालने पड़ेंगे. मेंटर्स ने बोला है कि वो लोग हमारे जैसे अनाउंसमेंट पेज में जब जो लंदन के अंदर जो भी उनको जॉब्स लगती हैं कि बच्चे यहाँ पे डाल सकते हैं या उस जगह से टूरिज्म लंदन में हायरिंग हो रही है या कहीं भी हायरिंग हो रही है, तो वो हमें एक अनाउंसमेंट पेज होता है हमारा FOL पे, वहां पर वो लोग बताते हैं कि यहाँ हायरिंग हो रही है आप इधर अप्लाई कर सकते हो. पर मोस्टली उन्होंने हमें सेक्टर्स बता दिए कि एज अ टूर गाइड आप काम कर सकते हो, इधर काम कर सकते हो, बट ढूंढना हमें खुद ही पड़ेगा वो. ढूंढना आपको खुद पड़ेगा, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. अच्छा, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन वो आपसे ये है कि आपकी क्लासेस कितने दिन होती हैं हफ्ते में? फर्स्ट सेमेस्टर में तो 5 डेज होती थी, मंडे टू फ्राइडे. और क्या टाइमिंग्स रहती हैं टिपिकली? डिपेंड करता है कोर्सेज पे. वैसे तो 2 hours of offline and 1 hour online होता था mostly cases में, but कुछ courses ऐसे भी थे जो online होते थे, कुछ courses ऐसे थे जो completely offline होते थे, तो depend करता है कि course कौन सा है. ये depend करता course कौन सा है. हाँ जी. और फिलहाल जो second semester में है वो कितनी दिन classes चल रही हैं आपके हफ्ते में? Second semester में 3 दिन चलती है हमारी, और उसमें like हमारा सुबह 10 लाइक फ्रॉम मॉर्निंग 10 टू इवनिंग 4 o'clock तक हमारी क्लासेस होती हैं. ठीक है, तो इस बीच में मतलब आप पार्ट टाइम जॉब्स वगैरह ढूंढ पा रहे हैं या कर रहे हैं कोई? अगर आप अपना एक्सपीरियंस बताएं, आपके दोस्तों का एक्सपीरियंस बताएं, कैसे आप मैनेज कर रहे हैं आप अभी? तो टू बी ऑनेस्ट पार्ट टाइम जॉब्स हमने बहुत कोशिश करी है अप्लाई करने की हर जगह, बट अभी लगता है लंदन में थोड़ा रिसेशन चल रहा है, इस वजह से जॉब्स लंदन में नहीं पूरे कनाडा में ही चल रहा है, तो उस वजह से जॉब्स टू बी ऑनेस्ट लंदन में अभी बहुत कम है. आप प्रेफरेंस के थ्रू जॉब्स ले सकते हो,
मतलब अगर आपकी बहुत अच्छी रेफरेंस है कि कोई बंदा उधर जाके बोले टिम्स पे या कहीं भी किसी भी रेस्टोरेंट में जाके या कहीं और वेयर हाउस वगैरह में वो जाके बोले कि मतलब कि रेफरेंस लगा दे आपकी, तो मे बी आपके चांसेस बन सकते हैं जॉब्स के. बट अभी तो हमारे पास भी जॉब्स नहीं है, और अभी मैनेज हम GIC से कर रहे हैं अपना जो आती है पर मंथ. तो आप 2024 में आए थे, तो आपकी GST उस टाइम पे कितनी थी? 6 लाख इंडियन रुपीज या बढ़ गई थी उसके बाद आपने एडमिशन ली थी? जब हमने कराया था तब 6 लाख ही थी, लाइक $10,000. ओके ठीक हाँ है, जी. तो आप अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताएंगे फैन शो के बारे में, क्योंकि बच्चे काफी ज्यादा सुनना चाहते हैं इन कॉलेज के बारे में. फॉर एग्जांपल अगर मेन कैंपस की बात करूं तो हमारे चैनल पे वीडियो है उसकी, तो उस पर तो हमने पूरा डिटेल में बताया हुआ है, पर डाउनटाउन कैंपस के बारे में हमने कभी भी इतना कवर नहीं किया. तो डाउनटाउन कैंपस के बारे में थोड़ा बता दें कि किस लोकेशन में ये कैंपस है और कैंपस में फैसिलिटीज किस तरह की हैं और किस तरह की कोर्सेज वहाँ पढ़ाए जा रहे हैं. ओके, सो डाउनटाउन कैंपस जो है वो डंडास स्ट्रीट पे, इसका एड्रेस 130 डंडास स्ट्रीट पे पड़ता है, इन द मिडल ऑफ द डाउनटाउन. एंड मतलब यहाँ पर कोर्स, मतलब कि ये कैंपस एक प्रॉपर बिल्डिंग है, 5 स्टोरी बिल्डिंग है. यहाँ पे 5 लेवल्स हैं. एंड मतलब कोर्सेज यहाँ पे कल्नरी वाले कोर्सेज हैं, जो फूड एंड बेवरेजेस रिलेटेड टू कल्नरी आर्ट्स, हॉस्पिटैलिटी, इवेंट प्लानिंग, टूरिज्म एंड ट्रैवल, टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी, जो एवरीथिंग रिलेटेड टू टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी, वो सारा डाउनटाउन कैंपस में आता है. इसको डाउनटाउन कैंपस को स्कूल ऑफ टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी भी बोलते हैं, जिससे आप लोगों को पता होगा कि मेन कैंपस के भी काफी सारे बनाए हुए हैं, स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी एंड एवरीथिंग. तो हमारा कैंपस स्कूल ऑफ टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी में आता है. एंड एक्सपीरियंस मैं पर्सनल, तो शुरू में तो डाउनटाउन कैंपस हमें लगा था कि पता नहीं, मतलब हमने मेन कैंपस जरूर देखा था पिक्चर्स में कि बहुत बड़ा कैंपस है, पर जब हमने डाउनटाउन कैंपस देखा तो इट वाज लाइक अ नॉर्मल बिल्डिंग. तो हमने जब एक्सपेक्टेशंस इतनी नहीं थी, लेकिन जैसे जैसे आए, एक्सप्लोर किया, पता लगा कि कौन रूम्स देखे हमने, हमने यहाँ की फैसिलिटीज देखी, तब पता लगा कि लाइक डाउनटाउन कैंपस बहुत ही अंडररेटेड है. आई थिंक सो. यहाँ पे काफी अच्छी अच्छी फैसिलिटीज हैं. यहाँ पर लॉकर्स भी हैं, अगर आपको कोई लॉकर रेंट करना है आप लॉकर रेंट कर सकते हो. स्टडी रूम्स हैं, काफी स्पेशियस हैं, मतलब एक रूम में आप 6 to 8 पीपल्स को आप, मतलब बच्चे यहाँ बैठ के एक साथ पढ़ाई कर सकते हैं. एंड एक प्रॉपर लाइक सिटिंग एरिया है, साउंड प्रूफ वॉल्स हैं, आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा बाहर से, अंदर आप अच्छे से अपने काम कर सकते हो. एंड बुक कर सकते हो, अपना एक प्राइवेट स्पेस होता है. प्लस बाहर अगर रूम्स नहीं है तो बाहर भी काफी अच्छी सिटिंग एरियाज हैं. लोकेशन बहुत प्यारा है, मतलब यहाँ बालकनी से बहुत प्यारा एक व्यू दिखता है, मतलब बहुत ही सुंदर लगता है. तो डाउनटाउन कैंपस अगर आपको चाहिए तो हम आपको फोटोज जरूर सेंड करेंगे. हमारे पास बिल्कुल काफी बिल्कुल सारे हमने मेमोरीज इकट्ठी करी है, बट डाउनटाउन कैंपस इज बेटर लाइक इन एवरी केस. कोई कहता है कि वो खाली एक बिल्डिंग है, बट बिल्डिंग में उसको इतना अच्छे से फैसिलिटी, उसको यूज किया हुआ है उस बिल्डिंग को, उस एरिया को, रूम्स के पर्पस से देखें या क्लासरूम के पर्पस से देखें या एवरीथिंग, मतलब सब कुछ ही बहुत अच्छे से मैनेज किया हुआ है. ये बहुत बढ़िया, आपने मतलब एकदम डिटेल में बता दिया. अगर आपके पास कुछ फोटोज होगी तो फोटोज जरूर शेयर करिएगा ताकि मैं वीडियो में अपलोड कर सकूँ, ठीक है? और अच्छा, तो हमने आपसे ये पूछा, थोड़ा असाइनमेंट्स के बारे में बता दो कि असाइनमेंट्स का लेवल किस तरह का होता है, डिफिकल्ट, इजी, मीडियम, क्या इजी असाइनमेंट्स बनाना है? क्योंकि फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं, बच्चे जैसे 12th करके आते हैं तो उनको इतनी कंप्यूटर नॉलेज नहीं होती, क्योंकि यहाँ पे टर्निटिन जो सॉफ्टवेयर है, प्लेगरिज्म का इशू होता है, यहाँ पे और भी इश्यूज होते हैं, जैसे आपको वीडियो रिकॉर्ड करके बनानी है, तो कई बार कुछ बच्चों को इतनी नॉलेज नहीं होती. तो कैसे आप लोग इन चीजों से डील करते हैं और किस तरह का असाइनमेंट का लेवल है यहाँ पे? इनिशियली जब हम लोग आए थे, हमें भी कुछ नहीं पता था. मतलब वही आपकी वाली बात है कि हमें लाइक इंडिया में जो चीजें थी वो अलग थी, यहाँ आने के बाद काफी चीजें चेंज हुई हैं. लेकिन इस एक चीज में हम ब्लेस्ड थे कि हमारे मेंटोर्स ने हमें बहुत हेल्प आउट किया.
अगर कोई भी प्रॉब्लम होती थी हम उनके पास जाते थे, तो असाइनमेंट का लेवल फिर हमें थोड़ा आसान लगने लगा. शुरू शुरू में लगता था कि बहुत मुश्किल है, लाइक हमें साइटेशंस नहीं करनी आती थी, हमें पता ही नहीं था साइटेशंस का, तो क्योंकि 12th के बाद तो मतलब कभी यूज हुआ नहीं साइटेशन का, सीधा यहीं आ गए, तो साइटेशंस के बारे में नहीं पता था. काफी चीजें ऐसी थी कि समझ नहीं आता था कि कैसे लिखना है, किस फॉर्म में लिखना है. तो हमें कुछ भी प्रॉब्लम होती थी हम अपनी तरफ से करके उसे अपने मेंटोर्स के पास भेजते थे एज अ फीडबैक, और वो हमें फीडबैक देते भी थे कि आप इधर गलत जा रहे हो, इसको ठीक करो. तो उससे काफी हेल्प आउट हुआ, एंड उसके बाद थोड़ा असाइनमेंट्स ईज आउट होने शुरू हुए कि हाँ अब समझ. इनिशियली तो थोड़ा डिफिकल्ट लगेगा क्योंकि कुछ नहीं पता होता, लेकिन जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हो, वीक्स जाते हैं, आपको असाइनमेंट्स मिलती हैं, तो एक पेस बनता है कि हाँ हो जाएगा, इजी है, समझ आने लगती है चीजें, तो फिर इजीली हो जाती है. बाकी अब तक तो लाइक इतना कुछ, अभी सेकंड सेकंड सेमेस्टर आ गया है, तो हम लोग इतना तो मतलब समझ गए हैं कि कैसे असाइनमेंट्स को करना है. और रही बात ड्यू डेट्स की, तो ड्यू डेट्स हमारी मोस्टली संडेज को होती थी, संडे मिडनाइट में, तो काफी एक लाइक वीक का हमें टाइम मिल जाता है करने को. I think that's all. Okay. अच्छा कुछ इसको थोड़ा elaborate कर लेते हैं, थोड़ा आप इसको तो इसके बारे में बता दीजिए, मतलब कि जो आपकी assignments mostly क्या group discussions GD type होती हैं, मतलब कि आपको post करना होता है अपना work, या किस तरह की assignments होती हैं, मतलब इस time assignments के बारे में थोड़ा बताएं आप. हमारे assignments like जो first जब हम शुरू में आए थे तब हमें mostly ग्रुप डिस्कशन, ग्रुप प्रेजेंटेशन जरूर होती थी हमारी. हमें एक जैसे हमें कोई टॉपिक हमें बताया एक वीक में, लाइक हम वीक टू में हमें कोई टॉपिक पढ़ा, उससे रिलेटेड हमें हमारे मेंटर्स असाइनमेंट देते थे, जैसे इलेबोरेट करो, या फिर कोई एक सब हम मैं आपको एक बताती हूँ, हमारा एक असाइनमेंट था रिलेटेड टू MMED, उसमें हमें बताया था कि ट्रिप एडवाइजर एक ऐप है जिसमें हम होटल्स वगैरह को सर्च करते हैं, तो वो कैसे किया जाता है, वो शुरू में हमें पढ़ाया. एंड देन उसके बाद उन्होंने हमें असाइनमेंट दिया कि आप खुद एक होटल सर्च करो, उसके बारे में लर्न करो, उसका सर्वे करो, एंड देन उसके बारे में लिखो. तो इस टाइप की असाइनमेंट होती है. जैसे हमें ट्रैवल ब्लॉग्स भी, हमारे टीचर ने बोला था ट्रैवल ब्लॉग्स भी हमने बनाए हैं काफ़ी सारे, और प्रॉपर एक आइटिनरी होता है, एक एज अ ट्रैवल एजेंट आपको एक आइटिनरी बनाना होता है, इसमें आपको बताना होता है कि कोई भी जगह के बारे में कि वहाँ पर क्या चीज़ें हैं, मतलब अट्रैक्शंस कौन सी हैं देखने वाली, आपको वहाँ जाके क्या क्या रिक्वायरमेंट्स चाहिए, कैसे आप एक कंट्री से दूसरी कंट्री जा सकते हो, तो उसके बारे में भी हमने ब्लॉग्स काफ़ी पोस्ट करे हैं ऑनलाइन, पोर्टफोलियोज हमने काफ़ी सारे बनाए. तो मोस्टली रिलेटेड टू टॉपिक ही जो हमें पढ़ाया जाता है उसी से रिलेटेड हमें असाइनमेंट्स दी जाती है. एंड ग्रुप असाइनमेंट्स इन क्लास ज़्यादा होती थी, इन क्लास हमें ग्रुप्स में डिवाइड कर देते थे, एंड देन इन क्लास असाइनमेंट ज्यादा होती थी ग्रुप्स में. ग्रुप हमारी आज तक अभी सिर्फ एक प्रेजेंटेशन ही हुई है, तो जो भी हमने सोशल मीडिया के बारे में दी थी दैट्स इट, उससे ज्यादा अभी कुछ है नहीं. तो एग्जाम्स वगैरह होते हैं, MCQ एग्जाम हो गया, मतलब कि कुछ थ्योरी एग्जाम हो गया, कुछ ऐसा होता है? एग्जाम्स होते हैं, कुछ ऑनलाइन भी होते हैं, और मोस्टली ऑफलाइन ही दिए हमने. MCQs एंड राइटिंग पार्ट में ज्यादा आते हैं, MCQs ज्यादा आते हैं. ठीक है, मतलब MCQ ज्यादा आते हैं, और जो लेवल होगा वो मीडियम होगा, मतलब इजी टू मीडियम, मतलब इतना डिफिकल्ट नहीं होगा. अगर आप पढ़ रहे हैं, कोर्स क्लासेस लगा रहे हैं, तो मतलब क्या एक मीडियोकर लेवल स्टूडेंट के लिए भी इजी होगा कोर्स पास करना. ठीक है, हाँ जी, हाँ जी, ठीक है. अब थोड़ा इस प्रोफेसर के बारे में बता दीजिए, थोड़े प्रोफेसर कोऑपरेटिव हैं, हेल्प करते हैं इन सब चीज़ों को लेकर, क्योंकि आप लोग सभी न्यू हो, तो प्रोफेसर किस लेवल तक मतलब कि आपकी हेल्प करते हैं, थोड़ा इनके बारे में बताएं. प्रोफेसर्स काफ़ी कोऑपरेटिव हैं, मतलब कि जब हम शुरू शुरू में आए थे, जैसे मैंने बताया हमें साइटेशंस के बारे में कुछ नहीं पता था, असाइनमेंट्स के बारे में कुछ नहीं पता था, तो हम उनसे हेल्प आउट हेल्प मांगते थे कि हमें बताओ, कोई भी क्वारी होती थी कि छोटी से छोटी क्वारीज वो हमारी सॉल्व करके देते थे. एंड फीडबैक के लिए हम अपने असाइनमेंट्स चाहे हम रात को भी भेज देते थे लेट नाइट, तो वो मॉर्निंग तक हमें उसका फीडबैक मिल जाता था, तो रिस्पॉन्स भी काफ़ी क्विक होता था, और कोऑपरेटिव भी थे. एंड उनको कई बार इशू, जैसे कई बार क्या हो जाता था कि असाइनमेंट्स हम नहीं सबमिट कर पाते थे किसी टेक्निकल इशू की वजह से, हो जाती थी ड्यू, या फिर ड्यू डेट निकल जाती थी हमारी, तो हम उनको मेल करते थे
कि किसी लाइक ड्यू टू सम टेक्निकल इश्यूज हम अपने असाइनमेंट्स नहीं सबमिट कर पाए, तो वो उसमें भी हमें पूरा हेल्प आउट करते थे एंड बोलते लाइक हमें तो यही बोलते थे कि कोई बात नहीं आप बाद में सबमिट कर दो, वी विल ग्रेड यू. तो प्रोफेसर्स काफी कोऑपरेटिव हैं, उनसे आप जब वो लेक्चर्स दे रहे होते हैं हम उनसे मिड में भी अगर कुछ भी पूछ लेते हैं, कोई चीज नहीं समझ में आ रही है, तो वो उसी टाइम अपना लेक्चर लाइक स्टॉप करके फिर हमें क्वारी हमारी पहले क्लियर करते हैं, उसके बाद आगे लेक्चर लाइक कंप्लीट करते हैं. तो प्रोफेसर्स अब तक हमें काफी अच्छे मिले हैं, बहुत ही कोऑपरेटिव हैं और बहुत ही सपोर्टिव, बहुत ही स्वीट है. हमारी एक प्रोफेसर थी, इस टर्म में नहीं है, वो बहुत अच्छी थी, लाइक वी ऑल मिस हर. अभी उसको उनको लाइक हम बोलते थे कि हमें इधर प्रॉब्लम आ रही है तो उसी टाइम सॉल्व करके देती थी. वो एक्स्ट्रा 15 to 20 minutes अपने क्लास के बाद हमें देती थी कि कोई भी क्वारी हो अभी पूछ लो, मैं तुम्हारा आंसर करूंगी, प्लस फीडबैक भी देती थी. तो अब तक हमें प्रोफेसर्स काफी अच्छे मिले हैं. ये सुन के बहुत अच्छा लगा कि आप लोगों को पूरी सपोर्ट है और प्रोफेसर्स की, और आप मन लगा के पढ़ रहे हैं. थोड़ा आप बताएं कि आप आगे नेक्स्ट आपके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं और आप खुद को कैसे देख रहे हैं, अगर ये कोर्स कंप्लीट करते हैं आपके क्या प्लान्स हैं, किस इंडस्ट्री में और किस तरह आप जॉब और किस तरह के जॉब्स आप लेना चाह रहे हैं, कुछ बताएं इस बारे में. सो फ्यूचर प्लान्स तो मतलब कि मेरा तो हमेशा से ऐसे टूरिज्म एंड लाइक ट्रैवलिंग में बहुत इंटरेस्ट रहा है, तो मैंने यही सोचा है कि मैं या तो होटल इंडस्ट्री में जाऊंगी एज अ इनिशियली मैं अपना स्टेप एज अ फ्रंट डेस्क मैन फ्रंट डेस्क पे शुरू करना चाहती हूँ. मैंने कोऑप के लिए भी काफ़ी सारे फ्रंट डेस्क जॉब्स अपने लिए लिस्ट आउट करके रखे हुए हैं, फ्रंट डेस्क, देन धीरे 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 करके हम मैं इसी इंडस्ट्री में अपने आप को लाइक आगे तक देखना चाहती हूँ, आगे तक परस्यू करना चाहती हूँ एज अ टूर गाइड, या फिर मतलब कि अलग अलग फील्ड ट्राई करना चाहती हूँ, सो दैट आई कैन लाइक आई कैन ट्रैवल द वर्ल्ड, आई कैन ट्रैवल टू अ लॉट ऑफ प्लेसेस, एंड उसके लिए मुझे पे किया जाए. मतलब कि मैं ऐसा कुछ काम करना चाहती हूँ कि मैं ट्रैवल करूँ, मैं लोगों तक वो चीज़ें पहुँचाऊँ जो लाइक उनको हेल्प आउट करे कि हाँ इस पूरे वर्ल्ड में एक ऐसा कॉर्नर भी है जहाँ हम घूमने जा सकते हैं या अपना वेकेशन या अपनी कोई भी ट्रिप जो है वो कर सकते हैं. तो मैं इसी इंडस्ट्री में अपने आप को आगे देखती हूँ, पूरा लाइक अपनी तरफ से पूरा कोशिश करूंगी एंड आई विल डू माय बेस्ट कि जो मैं चाहती हूँ वो मैं अचीव करूँ. यह बहुत बढ़िया, मतलब कि आपको सुन के काफी एनर्जेटिक फील हो रहा है और खुद मोटिवेशन मिल रही है हमको भी. और इस बारे में थोड़ा बताएं कि आपने ये कोर्स फाइंड आउट कैसे किया था, कि आपने खुद आपके माइंड में था ये कोर्स लेना है, आपको जैसे टिपिकली इंडिया में क्या होता है कि एजेंट वगैरह सजेस्ट कर. सो मेरे भी एजेंट ने ही बोला था, वैसे मुझे उन्होंने कॉलेजेस के नाम दिए थे कोर्सेज, उन्होंने बोला था कि आप अपने हिसाब से खुद सिलेक्ट करके मुझे बोल देना. तो मैंने जब कोर्सेज सिलेक्ट किए थे तो उस ये ऑप्शन मेरा थर्ड ऑप्शन था, मैंने फर्स्ट टू प्रायोरिटी किसी और कोर्सेज को रखी थी, बट मेरे को फैंशो से ऑफर लेटर बहुत जल्दी आ गया, लाइक विद इन 2 days मेरे को ऑफर लेटर आ गया था अप्लाई करने के बाद. एंड देन मैंने थोड़ा सोचा एंड उसके बाद मुझे ट्रैवलिंग का, जैसे मैंने बोला मुझे शौक हमेशा से ही है, मैंने इंडिया में भी काफ़ी ट्रैवल किया, तो मुझे ये था कि कहीं ना कहीं इस इंडस्ट्री में बहुत स्कोप है जो लोगों को अभी भी नहीं पता. लोगों को अभी भी लगता है कि टूरिज्म इंडस्ट्री सिर्फ ट्रैवल एजेंट बुकिंग टिकट्स तक ही सीमित है, पर ऐसा नहीं है, इस इंडस्ट्री में बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम एक्सप्लोर कर सकते हैं, जो कि मुझे भी यहाँ आके पता चला कि ये कोई छोटी इंडस्ट्री नहीं है, बहुत बड़ी इंडस्ट्री है. तो इस यही सोच के एंड सेकेंडली मेरा ये था कि कनाडा में टूरिज्म इंडस्ट्री इज द सेकेंड लार्जेस्ट, तो मुझे ये था कि कहीं ना कहीं मतलब कि अच्छी जॉब मुझे मिली जाएगी या इस इंडस्ट्री में मैं आगे, एक मेरा इंटरेस्ट भी था प्लस एक अपॉर्चुनिटी भी थी, तो मैंने दोनों चीज को देखा एंड देन आई चोज फैनशो फॉर लाइक दिस कोर्स. कुछ आप आने वाले बच्चों को थोड़ा सजेस्ट करना चाहते हो कि क्या एज पर योर पर्सनल एक्सपीरियंस की आने वाले बच्चों को किस तरह फैंशो कॉलेज को लेना चाहिए, और अगर वो डर भी रहे हैं तो कुछ मोटिवेशन वर्ड्स उनके लिए आपकी तरफ से. आने वाले बच्चों के लिए फैंशो
अच्छा, मतलब कि एक बहुत ही अच्छी, अगर आप फैंसो चूज कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, पर यहाँ आके मैंने देखा है कि बहुत से बच्चे ऐसे डिमोटिवेट हो जाते हैं, वो ये बोलने लग जाते हैं कि हमसे नहीं हो रहा है. वो जो नेगेटिव फैक्टर है ना कि यहाँ इंडिया में आप लोगों ने जो सोच के आए हो बस वही चीज यहाँ पर रखनी है, यहाँ आके अपना माइंडसेट नहीं चेंज करना कि नहीं हमसे नहीं हो रहा है या हम नहीं कर सकते, किसी की बातों में नहीं आना है. अब जो बस, क्योंकि यहाँ पर आपको लाइक बहकाने वाले लोग बहुत मिलेंगे, नेगेटिव पीपल होंगे जो आपको बोलेंगे कि यहाँ कुछ नहीं है. हम जब यहाँ आए थे लाइक टूरिज्म इंडस्ट्री में, तो सब मुझे भी यहाँ काफी ऐसे लोग मिले जिन्होंने बोला टूरिज्म में कुछ नहीं रखा, टूरिज्म में कुछ नहीं है. पर जब मुझे यहाँ आके पता चला, मैंने भी एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट, मैं खाली मैं ही नहीं, जितने भी स्टूडेंट्स हैं सब ये चीज रिलेट करते हैं कि स्ट्रगल है, आपको अकेले रहना पड़ेगा, आपको अपने आप सारी चीजें करनी पड़ेंगी. बट अनटिल एंड अनलेस आपके अंदर कुछ करने की पावर है, जैसे मेरे अंदर थी, मुझे पूरा वर्ल्ड देखना है, मुझे ट्रैवल करना है, तो मैं उसी माइंडसेट से आई थी यहाँ और अभी भी वही लेके चल रही हूँ. डिमोटिवेटेड इसीलिए नहीं हूँ क्योंकि मुझे पता है मेरा एम क्या है, तो अपना एम बना के चलो और उस एम को बस खराब मत होने देना. आई थिंक दैट्स इट. थोड़ी फीस के बारे में बता दो, इस कोर्स की फीस कितनी होगी? क्योंकि जिस तरह आपने ये इलैबोरेट किया लग रहा है कि फीस ज्यादा होगी, कुछ ऐसा ही है या कम है फीस? फीस तो आई गेस मतलब कि हमने 16,000 पे की थी, $16,000 1 year की, ठीक है, तो थोड़ी हायर साइड पे है. बट एज कम्पेयर टू अदर कोर्सेज तो मुझे ये थोड़ी कम लगती है, क्योंकि जो मैनेजमेंट कोर्सेज हैं, जो बिजनेस रिलेटेड कोर्सेज हैं, उनकी फीस आई गेस थोड़ी ज्यादा हाई है. बट इसकी उसके हिसाब से देखे तो ठीक है, लाइक मीडियम है. अभी सेकेंड ईयर की हमें पता नहीं है. ठीक है, आपको अभी पता नहीं है, और आप अभी मे बी आप सेकंड सेमेस्टर में, थर्ड सेमेस्टर में आप अपनी को अपनी मतलब सेमेस्टर ब्रेक की वेट कर रहे होंगे, ताकि हाँ अगर आपको जी, काम मिलता है तो आप फुल टाइम काम कर सकते हैं उस टाइम पे। ठीक है, थैंक यू सो मच, आपने अपना टाइम दिया कि आप लोग पढ़ रहे हो साथ साथ में, अगर आपने काफी ज्यादा हेल्प कर दी मेरी, क्योंकि ये मेरा था कि मैं वीडियो बनाऊँ इस टॉपिक पे। तो थैंक यू सो मच फॉर योर पार्टिसिपेशन। नो प्रॉब्लम, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग अस. तो ठीक है दोस्तों, आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को जरूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। तो ठीक है, फिर मिलते हैं आपको एक और वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें। चलो बाय।